नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अमेजॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था और वो अप्रूव हो चुका है, साथ ही आपके घर पे रिसीव भी हो चुका है, और अगर आपका अकाउंट ICICI बैंक में नहीं है, यानी कि आपका अकाउंट ICICI बैंक नहीं है और आपके पास ICICI बैंक का अमेजॉन पे या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड अभी न्यू आपने मंगवाया है, तो कैसे उस क्रेडिट कार्ड का पिन आपको जनरेट करना है ऑनलाइन घर बैठे ही, साथ ही उस क्रेडिट कार्ड का कैसे आप लोग यूजर इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड आप लोग घर बैठे खुद से ही बना सकते हो, इससे आते ही उस क्रेडिट कार्ड को कैसे आप लोग को मैनेज करना है इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या फिर मोबाइल बैंकिंग के द्वारा। मैनेज करना मीन्स कि अभी आप लोग को पता होगा कि RBI का जो न्यू रूल आया है, उसके हिसाब से कोई भी न्यू डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड आप लोग मंगवाते हो तो वहाँ से पहले से उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो ऑफ होके आती है, चाहे इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक, तो उसको आप लोग को ऑन करना होता है, तभी आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर POS मशीन के थ्रू ट्रांजेक्शन कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही ये भी बताऊँगा कि आई मोबाइल पे पे कैसे आप लोग को लॉगिन करना है और कैसे वहाँ पे लॉगिन आईडी वगैरह बनानी है। तो सब कुछ आप लोग को एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा सारा चीज़ें। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपका सारा डाउट एक वीडियो में मैं क्लियर कर देने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो एंड तक देखना, तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा एक ही वीडियो में। सो आइए फ्रेंड, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आप लोग को ICICI बैंक की नेट बैंकिंग ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। तो अभी तो हम लोग के पास यूजर आईडी पासवर्ड है नहीं, तो कैसे लॉगिन करेंगे चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर भी सब जब मोबाइल नंबर एंटर करके आप लोग प्रोसीड करोगे तो वहाँ सबसे पहले आप लोग के क्रेडिट कार्ड का पिन मांगा जाएगा, तो इसके थ्रू भी हम लॉगिन नहीं कर सकते। इसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते तो यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है, फॉरगेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है, फॉरगॉट यूजर आईडी एंड पासवर्ड पे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ से आप लोग अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है गेट यूजर आईडी का, तो इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है गेट यूजर आईडी। इसके बाद फिर यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो आपका बैंक अकाउंट तो है नहीं, तो यहाँ पे आप लोग को क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करके प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, क्रेडिट कार्ड नंबर के साथ ही आप लोग को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एंटर करना है, देन यहाँ पे आप लोग को प्रोसीड कर देना है। तो जैसे आप लोग प्रोसीड करते हो ना, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप लोग की यूजर आईडी बता दी जाएगी, साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी यूजर आईडी सेंड कर दी जाएगी। यहाँ पे देखिए मैसेज आ चुका है, तो यहाँ देखिए योर इंटरनेट कंग्रेचुलेशंस, योर इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी सेंड कर दी गई है। तो अभी तो आप लोग को अपना यूजर आईडी मिल गई, लेकिन अभी तक पासवर्ड तो मिला नहीं है। पासवर्ड भी आपको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे गेट पासवर्ड पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गेट पासवर्ड के ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो, न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे जो यूजर आईडी आपको मिली है उसी को यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपकी यूजर आईडी शो होगी। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, देन यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। तो जैसे आप लोग प्रोसीड करते हो, आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP को यहाँ फिल करने के बाद आप लोग को नेक्स्ट प्रोसेस स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड फिर से कर देना है। तो जैसे आप लोग OTP फिल करने के बाद प्रोसीड करते हो ना, यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग को अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे ऊपर आपकी यूजर आईडी शो होगी और यहाँ पे आप लोग को अपना न्यू पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद वही पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म न्यू पासवर्ड में एक बार फिर से री एंटर करने के बाद प्रोसीड कर दोगे तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड की पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो प्रोसीड करते ही देखिए यहाँ पे मैसेज आ चुका है, कंग्रेचुलेशन योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। तो इस तरीके से आप लोग बड़े ही आसानी से घर बैठे ही अपने क्रेडिट कार्ड का यूजर आईडी भी रिकवर कर सकते हैं, साथ ही अपना पासवर्ड भी बना सकते हैं। इसके बाद अब आप लोग को क्या करना है, सिंपली लॉगिन नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो देखिए अभी मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट बारी आप लोग को बताता हूँ कि कैसे आप लोग को अपने क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करना है। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने नेट बैंकिंग लॉगिन कर लेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा और यहाँ पे बीच में आप देखिए यहाँ पे आप लोग को
कार्ड्स एंड लोन्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो इसी कार्ड्स एंड लोन्स के ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा पूरा क्रेडिट कार्ड का। तो यहाँ पे देखिए पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा सा लोडिंग टाइम लग रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो यहाँ देखिए आपका जहाँ पे नेम लिखा रहेगा ना ओवरव्यू के जस्ट नीचे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, इसके बाद जनरेट कार्ड पिन, तो इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है जनरेट कार्ड पिन के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देंगे, तो जैसे आप लोग क्लिक करते हो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है डेबिट कार्ड पिन और दूसरा है क्रेडिट कार्ड पिन। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पिन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड नंबर। तो यहाँ पे अगर आपका केवल एक ही क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सेलेक्ट रहेगा, बट अगर आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे आप लोग उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल है ही आप लोग को, देन सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो नेक्स्ट पेज पे आप लोग को ये OTP यहाँ पे फिल करके सबमिट करना होगा। तो अभी आप देखते हो मैंने OTP यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबमिट करते ही आप लोग को अपना क्रेडिट कार्ड पिन जनरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड पिन, यहाँ पे सबसे पहले जो पिन आपको जनरेट करना है उसको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद कंफर्म क्रेडिट कार्ड पिन में एक बार फिर से वही पिन आपको रेंटर करना है, देन यहाँ पे जनरेट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग जनरेट नाउ पे क्लिक करते हो आपका क्रेडिट कार्ड पिन सक्सेसफुल्ली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ चुका है, द क्रेडिट कार्ड पिन हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड का पिन भी जनरेट कर सकते हो। तो अभी तक मैंने आप लोग को दो वर्क बताया, पहला कि यूजर ID और पासवर्ड कैसे आप लोग को जनरेट करना है, आफ्टर दैट क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट करना है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे आप लोग को अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना है, जैसे कि इसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कैसे ऑन ऑफ करना है। आप देखिए जो क्रेडिट कार्ड का सेक्शन दिया रहता है ना, इसी में आप लोग को पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा व्यू एंड मैनेज योर क्रेडिट कार्ड, तो इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग व्यू एंड मैनेज योर क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करते हो ना, आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ आप देखिए पेज ओपन हो चुका है अभी। तो इस पेज पे आप लोग को दो ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में व्यू योर कार्ड, यहाँ यानी कि यहाँ से आप लोग अपने कार्ड को व्यू कर सकते हो, कितनी लिमिट है, कितना करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कितना है, यहाँ से बिल वगैरह भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा ही ऑप्शन आपको मिल जाता है मैनेज योर कार्ड का, तो इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है मैनेज योर कार्ड। इसके बाद यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है मैनेज क्रेडिट कार्ड लिमिट, यहाँ से आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप लोग घटा बढ़ा सकते हो। इसके बाद मैनेज क्रेडिट कार्ड यूजेस, तो इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है एडिट वाले ऑप्शन पे यूजेस पे। तो जैसे आप लोग यूजेस पे क्लिक करते हो ना, यहाँ पे जो न्यू पेज ओपन होगा यहाँ पे देखिए आप लोग को ये मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में यहाँ पे ATM विड्रॉल ही ऑन है, जबकि क्रेडिट कार्ड से ATM विड्रॉल का कोई काम ही नहीं है यार, इसको ऑफ कर देते हैं। ओके, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफ है तो इसको ऑन कर देते हैं। मर्चेंट आउटलेट्स अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम ऑन कर लेंगे इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, इसको हमेशा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। टैप एंड पे जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ऑन ऑफ हम कर लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल कार्ड यूजेस, इसके द्वारा आप लोग अपना अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग को अपना इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी ऑफ ऑन कर लेना है। एक चीज़ मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो तुरंत के तुरंत ही आप लोग ऑन करना, उसके बाद ऑफ कर देना, क्योंकि वहाँ पे भाई OTP वगैरह कुछ नहीं आता, सीधे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना। तो जो भी आप लोग चेंजेस करोगे ना, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ इंटर डिटेल्स टू ऑथराइज द ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आप लोग को OTP आएगा। तो OTP को यहाँ पे फिल करके पहले ये सब आप लोग को मैनेज कर लेना, ऑफ ऑन कर लेना, इसके बाद OTP फिल करके सबमिट कर देना है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड का यूजर ID मंगा सकते हो, प्लस पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का पिन भी जनरेट कर सकते हो, प्लस मैनेज भी कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग को बता देता हूँ कैसे आप लोग को iMobile Pay के अंदर लॉगिन करना है, क्योंकि बार बार इंटरनेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करना काफ़ी झंझट वाला काम होता है। तो डायरेक्ट आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए iMobile Pay, इसके बाद इसे ओपन करना है, कुछ परमिशंस यहाँ पे मांगी जाएगी तो इसको आप लोग अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे अलाउ करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है, इसके बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए
यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा लेट्स गेट स्टार्टेड, तो इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है इंडियन रेजिडेंट, तो इसी पे आप लोग को क्लिक रहने देना है। अगर आप लोग इंडियन कस्टमर हो तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक रहने देना है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, देन यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है लेट्स गेट योर मोबाइल नंबर वेरीफाई, तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू आप लोग को कर देना है। तो कंटिन्यू करते ही आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग को अपना पिन जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पिन किसका है? ये आई मोबाइल पे का, मतलब लॉगिन पिन। जब भी आप लोग लॉगिन करने जाओगे तो उसके लिए पिन मांग रहा है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी पिन जनरेट कर लेना और उसी पिन को यहाँ पे आप लोग कन्फर्म लॉगिन पिन में फिलअप करके आप लोग नेक्स्ट कर देना। इसके बाद आपके सामने एक और न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ देखिए सेलेक्ट अकाउंट। तो आप लोग के पास कोई अगर डबल क्रेडिट कार्ड है तो उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज इसको यहाँ पे आप लोग ऐसे ही रहने देना क्योंकि ये एक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट है। इसके बाद आप लोग को इंटर 4 डिजिट क्रेडिट कार्ड पिन नंबर, जो पिन अभी आपने जनरेट किया उसको यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट कर देना है। याद रखिएगा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का पिन फिल करना है, न कि आई मोबाइल पे का। यहाँ पे आप लोग को सबमिट कर देना है आई मोबाइल एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप लोग अपना आई मोबाइल पे एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे आफ्टर दैट ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के लिए बोला जाएगा, तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो यहाँ पे अलाउ करना, नहीं तो यहाँ पे आप लोग को स्किप कर देना है। इसी करते ही आप लोग अपने आई मोबाइल पे एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाओगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा करेंगे वही सारी चीज़ें आप लोग को आई मोबाइल पे एप्लीकेशन में भी मिल जाता है। जैसे कि चेक, यहाँ से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, पिन को रीसेट कर सकते हैं, बिल का पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा प्रॉपरली। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना सा ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।